चैनल पर बहुत सारे लोग कथा सुन रहे हो और बहुत सारे लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं। आपसे प्रश्न करें, आप उत्तर दोगे? आप लोग जब से शिव पुराण चालू हुई है इसके पहले का समय निकाल कर देखना, जब भी किसी से मिलोगे तो एक बात कहेगा, तुमको पितृ दोष है, तुमको काल सर्प दोष है, तुम्हारे यहाँ वास्तु दोष है। बोलो सही है कि गलत है? प्रत्येक व्यक्ति दुखी था, प्रत्येक व्यक्ति जब भी किसी के यहाँ जाता था वो एक ही बात कहता, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, ये पूजन करना पड़ेगी, वहां जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, सारे दोष बताए जाते थे। जब से पुराण चालू हुई और तुमने एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा, सारे दोष अपने आप समाप्त होते चले। अब दुनिया के लोगों को कोई दोष नजर नहीं आता, बस एक ही दोष नजर आता है, सीओर वाला महाराज है। आप लोगों को ना तो पितृ दोष दिख रहा है, ना काल सर्प दोष दिख रहा है, ना वास्तु दोष दिख रहा है। पहले कितना लोग वास्तु दोष देखते थे, यहाँ का पाइप तोड़ो, यहाँ निकालो सीढ़ी, यहाँ से निकाल दो रसोई घर, यहाँ बना दो छत, यहाँ बना दो छज्जा, यहाँ बना दो। अब क्या गया, शंकर को जल चढ़ाने पर तीन दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला काल सर्प दोष, दूसरा पितृ दोष और तीसरा वास्तु दोष अपने आप समाप्त होता चले जाता है। हमारे महादेव पर पूरा भरोसा है, हमारी मैया डूबेगी।